सिविल लाइन थाना छावनी में हुआ तब्दील, भारी पुलिस बल तैनात, रेस्क्यू कर निकालने की तैयारी। आपको बता दें कि आरोपी बीआर सिंह एसआई के द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा को गोली दागी गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में प्राइवेट हॉस्पिटल मिनर्वा में भर्ती कराया गया है, जहां पे दिल्ली और भोपाल की चिकित्सकों की टीम रवाना हो चुकी है। वह जल्द ही यहां पहुंचेंगी। अभी गोली कंधे पे धंसी हुई है, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी उनकी हालत स्टेबल है, परंतु गोली अभी भी फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए दिल्ली और भोपाल की चिकित्सकों की एक टीम रवाना हो चुकी है। वह जल्द ही यहां पर पहुंचेंगी और दसी हुई गोली को बाहर निकाला जाएगा। जबकि अभी एसआई वहीं सिविल लाइन थाने में लोडेड पिस्टल के साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल उनको भी निकालने की तैयारी पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। के कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायू के डॉक्टर कनेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है, और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। तब तक हितेंद्र शर्मा को स्टेबल रखने में हमारे मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ गए हैं, घटनाओं के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी चूँकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है, तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे अपराध तो हुआ ही है। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइज।